नमस्ते, आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ स्ट्रीट स्टाइल ब्रेड पकौड़े की एक बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट और चटपटी रेसिपी। तो देर ना करते हुए चलिए देख लेते हैं इसे बनाने की विधि। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक पैन चढ़ा लिया है। अभी मैं इसमें आलू की स्टफिंग तैयार कर लूँगी। इसके लिए मैंने पैन पे डाल दिया है रिफाइंड ऑयल और जीरा 1 टीस्पून, और यहाँ पे मैंने बारीक काट के रखा हुआ है प्याज, हरी मिर्च, अदरक और लहसुन। अदरक और लहसुन को मैंने बारीक बारीक से ग्रेट करके रख दिया है। तो अभी मैं इन सभी को अच्छी तरीके से फ्राई कर लूँगी, और धनिया पत्ता भी मैंने चॉप करके रखा है। धनिया पत्ता को मैं बाद में यूज़ करूँगी। तो जैसे कि आप देख सकते हो, अभी मैं प्याज, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च और जीरा को एक साथ बहुत अच्छी तरीके से फ्राई कर रही हूँ। अभी मैं इसमें मिला रही हूँ पहले से उबाला हुआ आलू। आलूओं को मैंने उबाल के थोड़ी सी नमक के साथ में मैश करके रख दिया था। अभी मैं इसको अनियन और इन मसालों के साथ में अच्छी तरीके से मिला लूँगी, और इसके बाद मैं ऊपर से मिला रही हूँ 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर और 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर। अभी इन सारे मसालों में आलू को बहुत ही अच्छे से फ्राई कर लेना है। आलू अच्छी तरीके से फ्राई होने के बाद मैं यहाँ पे मिला रही हूँ 1 टीस्पून आमचूर पाउडर, और मैं यहाँ पे मिला रही हूँ गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून। इसके बाद धनिया पत्ता मिला दीजिए। इसके बाद इन सभी को बहुत ही अच्छी तरीके से एक बार और चला लीजिए। और अब मेरी ये स्टफिंग पूरी तरीके से बन के तैयार है। और अब मैंने यहाँ पे बेसन ले लिया है। मैं अभी बेसन की एक बैटर बना लूँगी। इसके लिए मैंने बेसन पे लिया है 1/2 टीस्पून जितना हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून जितना रेड चिली पाउडर, थोड़ी सी बेकिंग पाउडर, नमक, और यहाँ पे मैं मिला रही हूँ 2 टीस्पून जितना चावल का आटा। 2 या फिर 1/2 टीस्पून भी आप लोग ले सकते हैं। और इसके बाद मैं भी इन सभी सूखे मसालों को बहुत ही अच्छी तरीके से बेसन में मिक्स करूंगी। इसके बाद मैं थोड़ी थोड़ी पानी डाल डाल के इसकी एक बहुत ही अच्छी पतली बैटर, लंप फ्री बैटर बना के तैयार कर लूंगी। बैटर की कंसिस्टेंसी देखिए, ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा गाढ़ी, ऐसी होनी चाहिए। और ये देखिए चम्मच से ड्रॉप हो रही है, मगर चम्मच में लगा हुआ है। और अभी मैंने यहाँ पे ले लिए हैं 2 ब्रेड के स्लाइसेस। इसमें मैं अभी मिला रही हूँ टोमेटो केचप। टोमेटो केचप को मैं बहुत ही अच्छी तरीके से अब ब्रेड के ऊपर फैला लूँगी चम्मच के मदद से। इसके बाद मैं यहाँ पे डाल रही हूँ जो मैंने आलू की स्टफिंग तैयार करके रखा था, उसे मैं अभी ब्रेड पे बहुत ही अच्छी तरीके से फैला लूँगी। और अभी यहाँ पे मैंने ले लिए है एक और ब्रेड की स्लाइस, जिसमें मैं लगा रही हूँ धनिया की चटनी। धनिया की चटनी को मैंने धनिया पत्ता, लहसुन, नींबू का रस और ग्रीन चिलीज और थोड़ी सी नमक डाल के पानी के साथ में पीस लिया था। तो जैसे कि आप देख रहे हो, ये मेरी बन के तैयार हो चुकी है। और अभी मैं ब्रेड को बीच में से काट लूँगी, कॉर्नर से, इस तरीके से, ताकि ये ब्रेड पकौड़ा देखने में अच्छी लगे। और देखिए इसकी स्टफिंग अंदर से कितनी अच्छी लग रही है। और अभी मैंने यहाँ पे एक पैन पे ऑयल गरम होने के लिए चढ़ा दिया है, और इसके बाद मैं अभी ब्रेड को बेसन में बहुत ही अच्छी तरीके से कोट करके एक एक करके फ्राई कर लूँगी। आप लोग जैसे कि देख पा रहे हो, ब्रेड पे बेसन की जो कोटिंग है वो बहुत ही अच्छी तरीके से लगी हुई है, बिल्कुल परफेक्ट है। आप लोग भी बेसन की कंसिस्टेंसी बिल्कुल ऐसे ही रखिएगा, और चावल का आटा इसमें थोड़ी सी मिला दीजिएगा, ताकि ब्रेड पकौड़े में एक बहुत ही अच्छी क्रिस्पीनेस आए। और अभी मैंने यहाँ पे सारे ब्रेड पकौड़ों को डाल दिया है, और इसको मैं अभी चारों तरफ से बहुत ही अच्छी तरीके से फ्राई कर लूँगी। आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसकी एक भी तरफ कच्चा नहीं रहना चाहिए। आप लोग देखिए, मैं इसको चारों तरफ से घुमा घुमा के किस तरीके से फ्राई कर रही हूँ। और अब मेरे पकोड़े बहुत ही अच्छी तरीके से फ्राई हो चुकी है, और अब मैं इसे सर्व कर दूंगी। तो
देखिए मेरी सारी ब्रेड पकौड़े बनके तैयार हो चुकी है। मैं इसमें ऊपर से थोड़ी सी चाट मसाला स्प्रिंकल कर रही हूँ। अगर आपके घर में कोई गेस्ट आ जाए तो बाहर से कुछ भी मंगवाने के बजाय आप लोग घर में झटपट से ये तैयार करके रख सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनी थी और इसमें मतलब क्या बोलूँ मैं, आमचूर पाउडर और धनिया पत्ता का जो ये चटनी है, इन सभी का जो एक बैलेंस होता है, जो टेस्ट होता है, जो चटपटापन होता है, वो बहुत ही अच्छा लगता है। आप लोग इसे ज़रूर से ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को एक लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।